इस कार्यक्रम का उद्देश्य है आरटीए के बारे में स्टूडेंट्स लोगों को जानकारी देना। सब चीज़ों को दुरुपयोग करना हमारी आदत है इस देश में, तो दुरुपयोग है तो सूचना मत दो। सोचो अगर कोई किसी की नियत खराब है, समझो जो पूछ रहा है नियत खराब से क्या लेना देना है, ये एनुअल रिपोर्ट पूछ रहा है तुम्हारे आप डिपार्टमेंट का, दे दो। वो नियत खराब है अच्छा है क्या फर्क पड़ेगा, तो सूचना तो देने का है, तो जानकारी देना सरकार का कर्तव्य है। सूचना आपके पास पब्लिक डोमेन में जो है वो देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट ने इंटेंशन के बारे में सोचता नहीं। मैलिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन। सूचना अगर देने वाली है तो दे दो, देने वाली नहीं है तो मत दो। इतना ही कहते हैं आरटीए एक्ट, इम्प्लीमेंट आरटीए एक्ट। सूचना का अधिकार आम लोगों में लोकप्रिय हो और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत हो, ये इसका उद्देश्य था। और युवाओं को विशेष तौर पर हम चाहते हैं कि प्रश्न पूछें और व्यवस्था में सुधार के लिए आगे बढ़ें। देखिए, सूचना का अधिकार के प्रति सरकारी व्यवस्था की मानसिकता अभी भी सुधरी नहीं है। अंग्रेजों के ज़माने के ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत जो छुपाने की मानसिकता वो आज भी यथावत है। 99% सरकारी अधिकारियों का कोशिश रहती है कि जानकारी ना दी जाए। आरटीआई के तहत लोकहित है, परहित है, इसमें एक ही मुद्दा है कि जो सरकार कर रही है उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। अब सरकार बताए कि वो जानकारी में सही है या गलत है या लोकहित है या नहीं है, जानकारी का प्रकटन होना चाहिए, सरकार के क्रियाकलाप सार्वजनिक होनी चाहिए, यही इस एक्ट का उद्देश्य है। आरटीए एक्ट में जुर्माना बढ़ाया जाए और दोषियों पर कड़ा दंड दिया जाए।